Good morning, this is Pramod Jaiswal. Today I am going to discuss some questions of CPO, find the errors. Now this is purely grammar based है, तो grammar से connected जो भी explanation होगा मैं उसे समझाऊंगा, try करूंगा कि आप लोग समझें. Let's take up the first one. If he wants to recover, he must abstain of alcohol. तो एक एक करके section में divide है. तो पहला ही wants to recover, ये तो सही लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा. He must भी सही है, तो ये भी नहीं होगा. तो abstain of alcohol, abstain मतलब होता है prohibited. तो उसके साथ prepositions देखना है कि ये mistake हो सकता है, लेकिन no error तो नहीं है. तो abstain, he must be prohibited, तो उसके साथ preposition का यहाँ पर है कंसर्निंग. एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, तो दैट मीन्स इसमें मिस्टेक नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं है, नो एरर भी नहीं है. तो मिस्टेक क्या है? एब्सटेन दिस वन. तो ये मिस्टेक है, आपका आंसर डी होगा. लेट्स टेक अप सेकेंड वन. आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, तो ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट से है रिलेटेड. तो जब भी आइदर और होता है तो आइदर और का सेंस ये होता है इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. तो फर्स्ट पॉइंट ये दिमाग में रखना चाहिए. अब आइए नेगेटिव हम लोग का जो सूटेबल नहीं है उसे हटा दें. तो आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वेयर सपोज टू बी प्रेजेंट एट द साइट. तो प्रेजेंट एट द साइट तो सही लग रहा है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है. लेट मी सी. तो ये प्रेजेंट एट द साइट, तो ये तो सही है. फिर नो एरर अभी नहीं देखते हैं. द टू सुपरवाइजर्स ये भी सही है, तो ये भी. वेयर सपोज टू बी तो ये आइदर से रिलेटेड है. ये वर्ब है वेयर, तो जैसा कि हमने बताया कि आइदर टेक्स सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आइदर टेक सिंगुलर. तो मिस्टेक हमारा ये पोजीशन में है, वर्ड, दैट मींस दिस इज द आंसर. ये होना चाहिए आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वॉज सपोज टू बी देयर. आइए नेक्स्ट करते हैं. वी विल हैव टू वॉक नाउ Since we had missed the bus. अब इसमें देखते हैं we will have to walk now. अब यहाँ now present tense है. We will have to walk मतलब कि हमें चलना होगा, तो concerning present ही है. Since का मतलब होता है reason for या because. We had missed the bus. भाई ये देखते हैं since we had missed the bus. We will have to ये present है, इसलिए ये तो correct है. Walk now ये भी correct है. तो हम देखते हैं कि क्या है, since we had missed the bus, तो इसी से लग रहा है. अब यहाँ देखिए had missed past perfect हो जाता है. तो past perfect तभी use होगा जब first sentence past tense में होता है. तो यहाँ this concerns present और near future और now भी है, तो इसमें had missed is incorrect. तो इसमें क्या होगा, have missed. तो करेक्शन हो जाएगा we have missed. आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. These facts should not have been disclosed for the public. These facts, ये plural है, should not have तो ये करेक्ट है. तो should not have been तो ये करेक्ट है, इसलिए ये नहीं होगा. These facts should ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा. For the public, पब्लिक के लिए facts should not have been disclosed, ओपन नहीं किया जाए पब्लिक के लिए. तो ये for the public कुछ गड़बड़ लग रहा है. Disclosed, these facts should not have been disclosed, होना चाहिए to the public. These facts should not have been disclosed to the public.
अगर ये आपको पसंद आता है तो ये आता है, इसी में मिस्टेक आ जाता है, तो ये टू द पब्लिक होगा, तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।